हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ लेडीज ब्लाउज, जिसे बनाने के लिए मैंने दो कलर की बुन ली है, 10 नंबर सिलाई ली हुई है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 20 फंदे ले लिए हैं, 20 फंदे। अब देखिए, फर्स्ट रो से ही मैंने कलर ऐड कर लिया और देखिए सिंगल वूल से मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाले हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं क्रीम कलर से 1, 2, 3, 4 फंदे मैं क्रीम कलर से बनाऊंगी। उसके बाद ऑरेंज कलर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ तक, ये मैंने 16 फंदे बुन लिए ऑरेंज से। अब मैं यहाँ से एक फंदा उतार के बुल अपनी तरफ यहाँ से पूरी रो उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। आप देखिए, यहाँ से ऐसे क्रॉस कराएंगे इसको, इसके ऊपर से इसको फ्रंट पे लाएंगे और यहाँ से ये 4 फंदे क्रीम कलर से बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। ये देखिए इस तरह से पलट लूंगी यहाँ से और देखिए इस फंदे को उतारूंगी बूल अपने तरफ और 2, 3, 4 चार फंदे बने, 4 और मैं इसमें से बना लूंगी, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे अब 8 फंदे हमारे पास क्रीम कलर से हो गए और यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे मैंने ऑरेंज बुने पलट लिया, यहाँ से एक फंदा उतार लिया बुल अपने तरफ और यहाँ से देखिए ये सभी फंदे उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। इसको हम क्रॉस करा देंगे ऐसे, इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, आप देखिए यहां से 4-4 फंदे लेते हुए सभी फंदे क्रीम से कर लूंगी मैं, फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सभी फंदे मैंने क्रीम से कर लिए 4-4 फंदे लेते हुए यहाँ तक। आप देखिए, अभी मैं ऐसे इधर को बना रही थी, अब मैं इधर को बनाऊंगी। तो यहाँ से देखिए एक फंदा उतारूंगी बूल अपने तरफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये देखिए यहाँ तक मैंने 16 फंदे बुन लिए। अब हम 4 फंदे ऑरेंज कलर से बुनेंगे, 2, 3, 4 इस तरह से। देखिए अब मैं इस साइड को ऐसे ऑरेंज ले जाऊंगी। तो यहाँ से पलट लिया, एक फंदा उतारा बुल अपने तरफ और ये 4 फंदे ऑरेंज धागा क्रॉस करा देंगे ऐसे, इसको हम फ्रंट पे लाएंगे और ये सभी फंदे क्रीम से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पलट लेंगे, फिर से यहाँ से एक फंदा उतारेंगे बूल अपने तरफ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये देखिए 12 फंदे बुने, 4 फंदे फिर से मैं ऑरेंज कलर से बना लूंगी क्रीम वाले ऐसे। तो यहाँ पे अब मेरे पास 8 फंदे हो जाएंगे, ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8 ये देखिए 8 हो गए। अब इसी तरीके से लास्ट यहाँ तक बना लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से सभी फंदे मैंने
इसे ऑरेंज कलर से कर लिए और इस तरह से ये कली बनके कंप्लीट हो गई। आप देखिए इसी को रिपीट करते हुए मैं इसको पूरा करूंगी। बॉर्डर जितना मुझे चाहिए उतना मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये कली बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए यहाँ से हम सभी फंदे बंद कर देंगे, दो का एक करते हुए सारे फंदे यहाँ से बंद करेंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया। और देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 चार ये डिजाइन पूरी पड़ी हुई है, हाफ इधर है हाफ इधर है। तो इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। यहाँ से आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं ब्लाउज को। और देखिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। आप जिसको चाहे ये वाला ऊपर रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, ये वाला रखना चाहे तो ये। यहाँ से हम इसमें फंदे इसी धागे से उठा लेंगे जो धागा यहाँ पे था, ये देखिए इस तरीके से हर एक रो में से फंदा उठाना है ऐसे। तो यहाँ पे मैं पूरी रो में ऐसे ही फंदे उठाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने फंदे उठा लिए हैं और देखिए 59 फंदे उठाए हैं। आप अगर बड़ा बना रहे हैं तो इसी तरीके से आपको फंदे उठाने हैं। एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए, जैसे कि 71, 81 इस तरह से आप फंदे ले सकते हैं। इसमें एक फंदा पेयर के हिसाब से और होना चाहिए। तो यहाँ से अब हम इसको उल्टा बुनेंगे ऐसे। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक रो मैंने इधर से उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर ली, एक फंदा उतारूंगी और देखिए इस रो को हम सीधा बुनेंगे। पूरी रो लास्ट तक ऐसे ही बना देंगे और देखिए उल्टी रो पूरी उल्टी उल्टी। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन डालूंगी, जो सेंटर का फंदा आएगा, एक फंदा जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वहां पे, ये देखिए इस वाले फंदे को ऐसे लेते हुए इसको यहाँ पे मैं डिजाइन डालूंगी। तो यहाँ से मैं ये देखिए एक फंदा उतारूंगी और देखिए 27 फंदे मैं इधर बुनूंगी। जितने भी फंदे हैं आप इसी तरीके से आधे आधे कर लेंगे, सेंटर का जो फंदा है उस पे जाली पड़ेगी। तो देखिए मैं बुन लेती हूँ यहाँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 27 फंदे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, ये देखिए 2 का 1 कर दिया। अब ये देखिए सेंटर वाला फंदा है उस पे मैं जाली डालूंगी। तो देखिए बुल को अपने तरफ किया, इस फंदे को सीधा बुना, वापस बुल को अपने तरफ करेंगे, इसको देखिए पलट लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए और इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 का 1 इधर किया, इधर भी 2 का 1 किया और 2 जाली डाली हैं। अब इन फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टी रो पूरी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो हम बना लेते हैं। ये देखिए उल्टी रो कंप्लीट करते हुए अब मैं सीधी पे आ गई हूँ। तो यहाँ से मैं 26 फंदे बुनूंगी, एक एक फंदा इधर 2 का 1 करते जाएंगे सेंटर में। तो यहाँ से मैं बुन लेती हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने 26 फंदे बुन लिए। अब यहाँ से देखिए ये वाला जो फंदा है जो मैंने 2 का 1 किया था उसको सेंटर में ऐसे ऊपर रख के 2 का 1 कर देंगे। और देखिए अब ये 3 फंदे ऐसे आ गए। तो यहाँ पे मैं बुल अपने तरफ करूंगी और ऐसे देखिए अब सेंटर का फंदा मैंने सीधा बुन लिया और एक इधर का बुन लिया। तो ये 3 फंदे सेंटर के हो गए, एक इधर बढ़ गया, 4 हो गए। अब एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, इसको हम पलट के पहले सीधा कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पे 2 का 1 ऐसे करेंगे। तो देखिए ये फली वाली ऐसे आएगी और ये वाले फंदे सीधे बुनेंगे, उल्टी रो पूरी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ पे 25 फंदे अब बुन के यहाँ तक कंप्लीट करूंगी। ये देखिए उल्टी रो पूरी कंप्लीट करके और यहाँ से मैंने 25 फंदे बुन लिए। और देखिए अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पे मैं 2 का 1 करूंगी, ये देखिए 2 का 1 कर दिया। उसके बाद बुल अपने तरफ। अब देखिए यहाँ पे मैं सेकंड जाली डालूंगी, ये देखिए जब ये 5 फंदे हो जाएंगे तब जाली डलेगी दूसरी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये फिर से ऐसे 2 का 1 किया, ये देखिए। तो यहाँ पे ऐसे जाली एक और पड़ जाएगी, बुल को अपने तरफ करेंगे।
सेंटर वाले फंदे पे फिर से जाली डालेंगे ऐसे। अब देखिए वापस, अब इस फंदे को भी सीधा करेंगे ऐसे पलट के, ये देखिए, और यहाँ पे ऐसे दो का एक कर देंगे, ये देखिए, बुल को अपने तरफ करेंगे और इस फंदे को भी पलट के ऐसे सीधा करेंगे और यहाँ पे दो का एक, ये देखिए। इस चीज में आपको ध्यान रखना है, ये देखिए। तो यहाँ पे ये सेकंड जाली स्टार्ट हो गई इस तरह से, और इन फंदों को सीधा बनाते हुए लास्ट तक उल्टी रो पूरी उल्टी बुनते हुए, और यहाँ पे देखिए एक एक फंदा इस साइड को कम होता जाएगा। अब हम 24 फंदे बुन के यहाँ तक आएंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए उल्टी रो मैंने बनाते हुए, और देखिए यहाँ तक मैंने इस रो में 24 फंदे बुने, और यहाँ पे देखिए ऐसे दो का एक कर देंगे इस तरह से, बुल अपने तरफ करेंगे, और देखिए यहाँ पे हम जाली डालेंगे तो ऐसे दो का एक करेंगे, देखिए ये कर दिया, ये देखिए इस तरह से जालियां पड़ गई। आप देखिए बुल को अपने तरफ करेंगे, अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तो यहाँ पे ये 5 फंदे हो जाएंगे, तब मैं ऐसी जाली फिर डालूंगी। तो देखिए ऐसे, अब इसको सेंटर वाला फंदा बुन लिया और ये वाला बुन लिया, बुल को अपने तरफ किया, यहाँ पे इस फंदे को पलट के ऐसे सीधा करेंगे, और यहाँ पे देखिए दो का एक कर देंगे, ये देखिए ऐसे बुल को अपने तरफ करेंगे, इसको पलट के सीधा करेंगे, और यहाँ पे दो का एक जाली डालते हुए, ये देखिए ऐसे, ये डिजाइन ऐसे आएगी। अब यहाँ से हम सीधा बुनते हुए इन फंदों को कंप्लीट करेंगे, उल्टी रो पूरा उल्टा बुनेंगे और यहाँ तक वापस आएंगे। ये देखिए उल्टी रो मैंने बनाते हुए और यहाँ तक ये कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे ऐसे ये दो का एक करूंगी, ये देखिए बुल अपने तरफ, और यहाँ पे ऐसे दो का एक, ये देखिए वापस बुल अपने तरफ। आप देखिए यहाँ पे फिर से मैं अब तीसरी जाली यहाँ से स्टार्ट करूँ, जैसे मैंने एक यहाँ से की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी। आप देखिए ये 5 फंदे हो गए मेरे पास, तो मैं यहाँ पे ऐसे दो का एक करते हुए जाली डालते हुए ऐसे, ये देखिए कर दिया, बुल अपने तरफ करेंगे, सेंटर वाला फंदा है उस पर मैं फिर से जाली डालूंगी, वापस अपने तरफ करके इसको अब हम फिर से पलट लेंगे ऐसे, देखिए, और यहाँ पे इस जाली वाले फंदे के साथ दो का एक करूंगी, तो एक यहाँ पे जाली पड़ गई, ये देखिए तीसरी जाली स्टार्ट हो गई यहाँ से, वापस बुल अपने तरफ, इसको दो का एक, ये देखिए बुल को अपने तरफ यहाँ पे पलट के सीधा, और यहाँ पे ऐसे दो का एक, देखिए। अब यहाँ से हम सभी फंदे लास्ट तक सीधे बुनेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा, ये देखिए। अब इसी को मैं रिपीट करते हुए थोड़ा सा और बनाऊंगी, आपको यहाँ पे जितनी लंबाई चाहिए वो अपने हिसाब से आप नाप के कर सकते हैं। तो मैं इसमें बना लेती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ, तरीका सेम है। जब यहाँ पे ये 5 फंदे हो जाएंगे तो अगली जाली बनाना स्टार्ट कर दूंगी, फिर मैं कम्प्लीट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बना लिया है, और देखिए यहाँ पे करीब हमने ये 4 अंगुल बनाया है, और जालियों में देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 चौथी जाली पड़ेगी। अब आप देखिए इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी लंबाई के हिसाब से। तो अब मैं दोनों तरफ यहाँ पे देखिए दोनों साइड एक फंदे से पहले दो का एक करूंगी, और यहाँ पे एक फंदे से पहले देखिए इस तरीके से एक फंदा उतारूंगी बुल को अपने तरफ, और ऐसे सिर्फ सीधी रो पे, उल्टी रो पे कोई फंदा नहीं, ऐसे घटा दिया, और यहाँ से पूरी रो सीधा बुनूंगी, और देखिए जो डिजाइन में जैसे डाल रही हूँ वैसे ही डालूंगी। इधर मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ तक, अब देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। इस फंदे से पहले मैं ऐसे बुल को अपने तरफ यहाँ पे दो का एक, बुल को पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे और उल्टी रो पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। यहाँ से एक फंदा उतारेंगे ऐसे, पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे, ये देखिए। अब मैं फिर से सीधे साइड आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से एक फंदा उतारूंगी बुल अपने तरफ, और यहाँ पे ऐसे दो का एक करूंगी, फिर से बुल को पीछे कर दूंगी, और यहाँ पे सीधा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। आप देखिए इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐसे एक एक फंदा दोनों तरफ घटाते हुए और ये डिजाइन डालते हुए पूरी मैं इसको कंप्लीट करूंगी। लास्ट यहाँ पे एक फंदा ये रह जाएगा
ऐसे घटाते हुए, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको यहाँ तक बना लिया। लास्ट ये वाले फंदे देखिए सब घट गए हैं एक एक करके दोनों तरफ के, और ये इस तरह से ये ऐसे आ गया। आप देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से फंदे घटाऊंगी। एक फंदा उतार लिया, वूल को अपने तरफ किया, और ये वाला फंदा देखिए दो का एक कर दूंगी ऐसे, और वूल को पीछे करूंगी। आप देखिए यहाँ पे मैंने जाली नहीं डाली, यहाँ पे दो का एक कर दिया। इसको हम ऐसे इधर को बिना जाली के बुन लेंगे, ये देखिए। उसके बाद अब हम यहाँ से जाली डालेंगे इस तरीके से। अब मैं इधर तक बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए लास्ट तक बुन लिया। आप देखिए यहाँ पे ऐसे दो का एक करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पे आप देखिए इस फंदे के बीच में जाली नहीं डालूंगी, इसको हम इधर करेंगे और इस फंदे को ऐसे दो का एक कर देंगे इस तरीके से। लास्ट वाला फंदा बोल पीछे करके सीधा, ये देखिए। अब इस तरीके से फंदा दोनों तरफ घटाएंगे। सिर्फ इस वाले फंदे को जब हम यहाँ पे आएंगे तो जाली नहीं डालेंगे, इसको दो का एक कर देंगे, इधर भी ऐसे ही। और यहाँ पे देखिए 34 फंदे रह जाएंगे, तब तक मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे फंदे ऐसे घटा दिए हैं, और हमारे पास यहाँ पे 34 फंदे हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा उतार लिया बुल अपने तरफ, इसको इधर से उल्टा बुनेंगे और उधर से भी उल्टा। यहाँ पे हम 6 रो बनाएंगे, 3 गांठ स्टिच इधर आ जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 6 रो बना ली है। अब देखिए इन सभी फंदों को बंद कर दूंगी। अगर आप इसका बॉर्डर और चौड़ा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रो बढ़ा लीजिए, ये देखिए ऐसे। पूरी रो ऐसे ही बनाते हुए लास्ट तक कंप्लीट करेंगे।